इमरान खान की तकरीर आवाम के सामने है, क्या सब गलत और सिर्फ शेख रशीद साहब ठीक है? अल्लाह ना करे शेख रशीद के प्लेटलेट्स कम हो, ऐसा हुआ भी तो हम कोई गिरी हुई हरकत नहीं करेंगे। सरदार अय्याज सादिक नवाज शरीफ की सेहत पर रद्देअमल, हुकूमती बयानात छोटी जहनीत की अक्कासी हैं, जहनों का इलाज करवाने का मशवरा भी दिया, पीटीआई का 126 दिन का धरना धरनी करार दे दिया। एपीसी में शिरकत के सवाल पर बोले, मरियम नवाज की सेहत ठीक नहीं, वो वालदा की वफात के सदमे से गुजरी है। सिवाय हुकूमत की और हुकूमत के मेंबरान की बौखलाहट उसके अलावा कुछ नहीं है। और मैं तो ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ना करे कि कभी शेख रशीद साहब या किसी और के प्लेटलेट काउंट 2000 या 5000 पे आएं। मैं तो यही कहूंगा कि अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इनका भी इलाज कराया जाए और इनको भी ले जाया जाए, ये जेल रोड में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे इनका भी इलाज कराया जाए जो कि इन इतनी छोटी जहनीत रखते हैं। तो क्या सब झूठ है और सिर्फ शेख रशीद साहब ठीक हैं? आपको याद है कि इस्लामाबाद में धरनी हुआ करती थी जिसमें से 50, 100 और 150 लोग होते थे, फिर रात को जब नाच गाना होता था तब और लोग आ जाते थे, मगर मौलाना साहब की धरनी नहीं थी, वहाँ लाखों लोग थे। मरियम साहिबा जो हैं अभी उनका सारी कॉन्सेंट्रेशन उनकी अपनी सेहत और मियाँ साहब की सेहत।